मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से पूर्व की बीजेपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि किसी भी शिक्षक को दूसरे काम में लगाया नहीं जाएगा, जिसे 2019 में वर्तमान सरकार ने जारी किया। लेकिन इससे मान्यों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदेश जारी होने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री को ऐसे किसी आदेश की जानकारी तक नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 50,000 शिक्षकों की कमी है। इस कमी को देखते हुए पूर्व की बीजेपी सरकार ने शिक्षकों को दूसरे काम में लगाने पर रोक लगा दी थी। आदेश जारी होने के बाद पूर्व की सरकार में इस पर रोक भी लगी थी, लेकिन सत्ता बदलते ही नियमों को ताक पर रख दिया गया। शिक्षकों को प्रदेश के विधायक अपने पर्सनल स्टाफ नियुक्त करने लगे। हाल ही में इसका खुलासा विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने दिया, जिसमें 10 विधायकों के नाम बताए गए जिन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ के तौर पर 10 शिक्षकों को नियुक्त किया है। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री इसे गलत नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये आदेश पूर्व की बीजेपी सरकार ने जारी किए थे, कांग्रेस सरकार ने नहीं। कमलनाथ जी की सरकार में जहाँ तक हमें जानकारी ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये आदेश पूर्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी के MLA को शिक्षक दिए गए थे। तो मध्य प्रदेश में बरसों से भर्तियां नहीं हुई क्लर्कों की, और अब क्लर्क टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट के कंप्यूटर विभाग गया है।